कर्नाटक विधानसभा परिषद का ये दृश्य देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो है कर्नाटक विधान परिषद का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के एमएलसी आपस में भिड़ गए और हाथापाई करते हुए नजर आए। सत्ता और विपक्ष के बीच कर्नाटक विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस चेयरमैन का विरोध कर रही थी और हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से खींचकर हटा दिया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के एमएलसी में हाथापाई भी हुई। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं, जेडीएस और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया, बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है, जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है राज्यपाल से आग्रह है, इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें। देश के किसी भी काउंसिल में, पार्लियामेंट के किसी सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ और हमारे 100 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास में कर्नाटक के इतिहास को जो आज कलंकित किया गया है, मैं समझता हूं जनता उनको देखेगी और उचित जनता को समझ आएगी। और मेरा एक आग्रह है सब देश की जनता से कि आगे से ऐसे गुंडा तत्वों को चुनाव करके नहीं भेजें, जो ये गुंडा तत्व जो एमएलए और एमएलसी बन जाते हैं। जनता को जागरूक रहना पड़ेगा और अल्टीमेटली जनता ही हमारी माई बाप है, जनता निर्णय करेगी उचित समय पर, मुझे लगता है। जहां एक तरफ बीजेपी द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा कि भाजपा और जेडीएस ने अध्यक्ष को गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन बनाया जब सदन में कामकाज नहीं चल रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस तरह असंवैधानिक चीजें कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें चेयर से नीचे उतरने को कहा और हमें उन्हें बेदखल करना पड़ा क्योंकि वह अवैध तरीके से इस पर बैठे थे। इस तरह से कर्नाटक विधान परिषद में आज इतना बड़ा हंगामा हुआ।